नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक कमेटी बना दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सेशन के दौरान एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर करने के साथ ही आम लोगों की राय भी लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात के बारे में दोनों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। सरकार की इस पहल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं पुराना ही आइडिया है। कांग्रेस के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है। समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा। इधर एलजीपी रामविलास चीफ चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करती है, इसे लागू करना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।